मजे आएगा। अच्छा अच्छा रिकॉर्डिंग सबलोड हो गई, ठीक है, किसी को दो बात देख लिया, रिकॉर्डिंग सबलोड हो गई 1-2 लेक्चर की, ठीक है ना। अरे लोग तो भेज दिया है ना, कोई भाई नहीं। एक मिनट बोले ना, अरे 20 यार दिए थे ना, यस सर, 158 20 को सा 20 इसके पहले देखो, आई इक्वल टू एनी ए वीडी होता है राइट, आई इक्वल टू एनी ए वीडी, ठीक है ना। अपडेट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, करेक्ट वेलोसिटी का रेशियो बताना है। देखो इन टू इंड बच्चों कनेक्टेड है, वो सोच लो मान लो डिफरेंट वायर्स भी है, तो करंट तो सेम ही आएगी ना, करंट का पाथ तो सेम ही है, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम आएगी, करंट क्या होगा सेम होगा। वीडी क्या है बच्चों, आई अपॉन एनी ए, क्या है आई अपॉन एनी ए, तो आई सेम है। अब क्या कह रहे हैं बच्चों, डेंसिटीज ऑफ चार्ज कैरियर्स इन वायर्स दे रखा है 1-4 और डिफरेंट मटेरियल से बच्चों, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आर है, मतलब ए भी क्या तुम्हारा है, या क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा सेम होगा। अरे आई सेम है क्या, और क्या है, ये तो चार्ज है और इलेक्ट्रॉन है, ए भी क्या है सेम है, ठीक है ना। अदरवाइज तो आज सेम करके आए हो क्या, नहीं सही है, पहली पहली बार है, दूसरी बार है, पार्टी देखी पड़े और क्या, बड़ी बात होती है मर्द बन गया, पहले आज सफल हो गया, आज सफल देखो सब तो कुछ कॉन्स्टेंट है बच्चों। अरे भाई आई कॉन्स्टेंट है, आई सेम है, ई सेम है, एरिया प्रोसेशन सेम है, मतलब बीडी क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है 1/n, तो मतलब इनवर्स रेशियो में होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चार्ज डेंसिटी जो है उसका रेशियो क्या है 1-4 है, तो बीडी का रेशियो क्या होगा 4-1 होगा, तो अलग चीज और 20 20 के पहले उसी को मारी ठीक तमाम वो दुखी नहीं आ रही ना मेरे को, क्या हो रहा है ठीक और कौन ठीक है, तू पहले किसी को नहीं तो कर देना चाहिए ना, है ना,
लेंथ बच्चों क्या क्लियर आ गया तुम्हारे, देखो आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है ना, और वॉल्यूम तुमको पता है स्ट्रेस करने पर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ ये पढ़ा है ना अभी, है ना। तो तुम एरिया क्रॉस सेक्शन क्या लिख दो, तुम वॉल्यूम बाई लेंथ लिख सकते हो ऐसा। आर इक्वल टू क्या लिख दो रो, यहाँ पर क्या लिख दो वी, और यहाँ पर क्या देगा एल स्क्वायर। अब देखो रो और वी कॉन्स्टेंट है बच्चों, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, रो क्या तुम्हारा स्पेसिफिक चार्ज, स्ट्रेस करने पर वो चेंज नहीं होता, ये सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो आर क्या बच्चों प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। देखो अगर सुन लो ये क्वेश्चन उसमें भी आ सकता, तुम्हारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का भी क्वेश्चन है, अगर यही परसेंटेज कम होता बच्चों, मान लो 2% होता, तुमसे पूछता कितना परसेंट बढ़ा रेजिस्टेंस, तो क्या लिख देते हो डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू टू डेल्टा एल बाई एल इनटू 100 के लिए, और लिख देते ना ये तो होता है उसमें। यहाँ पर परसेंटेज क्या दे रखा तुमको 20%, ये बात उसमें भी बताई थी जब मैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट पढ़ा रहा था तभी बताई थी कि ये फॉर्मूला कैसे निकालते हैं डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन किसके लिए वैल्यू होता है स्मॉल चेंजेस के लिए होता है ना, ये क्या होता है स्मॉल चेंजिंग होता है, तो ये फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते। अरे ठीक है बट आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, मान लो आर इक्वल टू के एल स्क्वायर तुमने लिख दिया, के कांस्टेंट है, शुरुआत में रेजिस्टेंस कितना था तुम्हारा मान लो आर था, अभी क्या हो गया बच्चे तुमने लेंथ कितना बढ़ा दी 20% बढ़ा दी, 20% मतलब एल प्लस 20L/100 यही कर दे तुम 20/100, तो कितना जाएगा एल प्लस एल बाई फाइव कितना जाएगा 6L/5, तो मान लो अभी रेजिस्टेंस क्या हो गया आर डैश हो गया, आर डैश के क्या आ गया 6L/5 का होल स्क्वायर, तो कितना जाएगा 36 KL² / यहाँ पर 25। तो ये के एल स्क्वायर क्या है बच्चे तुम्हारा पुराना वाला है, अरे भाई आर ही तो है, तो आर डैश कितना आ गया 36/25 कितना आ गया। अब तुमको परसेंटेज यही निकालना है, तो क्या करोगे R dash minus R upon R into 100, तो क्या लिख दोगे 36/25 R minus R upon R into 100, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे दोनों में, तो कितना बचेगा ये बच्चों 36/15 11 into 4 से 40%, तो क्या दे रखा 40%, सही दे रखा है और R1 एंड R2 डिफरेंट मटेरियल्स पर है, देखो जो अल्फा इस पर डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल पर, जैसे ही डिफरेंट मटेरियल लिखे तो इसका मतलब क्या अल्फा अलग अलग हो, तो मतलब सेम लिखा दिखे तो इसका मतलब सेम, ये भी समझ लो ठीक है, जो उसकी लैंग्वेज है क्वेश्चन की लैंग्वेज है उससे तुम काम की बात क्या है वो निकालने का प्रयास करो। करंट टेम्परेचर फंक्शन का बच्चों आर वाले क्या है अल्फा है गलती से, दूसरे वाले क्या माइनस बीटा है, माइनस बीटा मतलब उसमें अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, अरे बताया था ना सेमी कंडक्टर का अल्फा नेगेटिव होता है ठीक है, कह रहा है कि अगर रेजिस्टेंस ऑफ जो सीरीज कॉम्बिनेशन वो आर वन है एंड आर टू डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर देन रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो बच्चों आर इक्विवेलेंट क्या होगा तुम्हारा आर वन प्लस आर टू सीरीज में ही है, दो तरीके समझ सकते हो, पहले मान लिया टेम्परेचर कितना बढ़ा था तो हम डेल्टा टी बढ़ा दो, डेल्टा टी बढ़ाने पर भी फाइनल आर इक्विवेलेंट इतना ही आएगा, ज्यादा चेंज नहीं होता ना, तो फाइनल आर इक्विवेलेंट जो आएगा तुम्हारा वो कितना आएगा इतना ही आएगा, कितना टेम्परेचर का आएगा मान लो डेल्टा टी, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बताया था आर डैश इक्वल टू आर क्या होता फॉर्मूला वन प्लस अल्फा कितना आ जाएगा आर वन वन प्लस पहले वाले क्या अल्फा है डेल्टा टी, दूसरे वाले क्या है बच्चों आर टू वन माइनस बीटा डेल्टा टी, अब ये बताओ
किसके बराबर है? पहले वाले के ही बराबर है। इसको ऐसा कर दो, आर वन प्लस आर टू, आर वन यहाँ से आ गया, यहाँ से क्या गया आर टू आ गया, और फिर बच्चों डेल्टा टी कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा आर वन एल्फा माइनस आर टू बीटा, ये आ गया। ये किसके बराबर है तुम्हारा आर इक्विवेलेंट? पुराना वाला आर इक्विवेलेंट कितना था बताओ, आर वन प्लस आर टू। तो ये आर वन प्लस आर टू क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इधर जीरो बचा, तो इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आर वन एल्फा माइनस आर टू बीटा इक्वल टू जीरो, तो आर वन बाई आर टू क्या आ गया बीटा बाई एल्फा। अब इसको जनरली वैसे भी सोच सकते हो, कोई एक बच्चा एक लाइन में सोच नहीं सकता, इसको इतना लंबा नहीं लिखना है हमको, मैं वो पतला हो गया दुबले हो रहा है जिन, तो कुछ बताओ इसको सबने को लेकर अच्छा नहीं सर वो चीज को, हां वो चीज से बंदा का सही नहीं है, मैं कह रहा हूं इसका वो चीज देखा कंडीशन हो जाएगा, मतलब वो भी रिलेशन से सब कुछ कंडीशन हो गई, कुछ नहीं होता हमसे क्या मतलब है आंसर आ रहे। अरे ठीक है, कोई बच्चा बताएगा इसको एक लाइन में कैसे लिखे, सोचना है इसको कि वास्तव में चेंज क्यों हो रहा है। पहला वाला का बच्चा अल्फा पॉजिटिव है, मतलब टेंपरेचर बढ़ाओगे पहले का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा बढ़ेगा। दूसरे क्या बच्चों अल्फा निगेटिव है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या होगा, कम। मान लो पहले का 10 है, दूसरे क्या है 20 है, तो नेट 30 आ रहा है। अगर पहले का 5 बढ़ गया, सेम रखने के लिए क्या करना होगा, दूसरे का 5 कम करना होगा। तो डेल्टा आर जो पहले में चेंज आया बच्चों वही क्या आना चाहिए, उस उतना ही मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, दूसरे में चेंज आना चाहिए। डेल्टा एल क्या होता था, एल अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा आर क्या होगा आर अल्फा डेल्टा टी, तो आर वन एल्फा डेल्टा टी, और दूसरा क्या लिखोगे आर टू, ध्यान देना अभी मैग्नीट्यूड लिख रहे हो ना तुम, तो बीटा ही लिख दो, माइनस बीटा लगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा आर वन बाई आर टू क्या आ गया बीटा बाई। अरे यहाँ भी यही किया है, यहाँ भी देखो ये इंक्रीज है, ये क्या है डिक्रीज है, दोनों कैंसिल आउट कर रहे हैं। जिन कुछ डाउट है और ठीक है, तो वो मत जो कहा था क्वेश्चन नंबर सॉल्व देखो, मेटेलिक कंडक्टर है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा कम होगा मेटल का बढ़ेगा, तो करंट बाई वोल्टेज दे रखा है, इसका स्लोप क्या बताएगा, करंट बाई वोल्टेज का तो ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा है, ग्राफ से ही पता चलता है ना स्लोप या एरिया। अरे भाई स्लोप क्या बताएगा, वाई बाई एक्स ही बताता है ना, I by B क्या होगा 1 by R, अरे ये होगा ना देवी जी, ये T1 है ये T2, तो स्लोप किसका आता है बताओ, T1 वाले का T2 वाले, T1 वाले का मतलब 1 by R1 ज्यादा होगा ना इसका, T1 वाले का अपने पढ़ाया, अगर इनवर्स है तो अगर अगर रेशियो उल्टा कर दे तो ये क्या होता है चेंज हो जाता है, उल्टा करो तो क्या आ जाएगा आर वन, तो मतलब देखो आर वन लेस देन आर टू है, मतलब क्या होगा शुरुआत में आर वन फेल हो तो भाई होगा टेम्परेचर बढ़ाया होगा, क्या हो गया आर टू हो गया होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर आया होगा ना, तो टेम्परेचर बढ़ाया होगा तब आर वन किस में कन्वर्ट हो गया होगा आर टू में, तो आर टू किस वैल्यू पर रेजिस्टेंस है टी टू पर, इसका मतलब टी टू बढ़ा होगा टेम्परेचर, आर टू तो आया बढ़ाने पर टेम्परेचर, ठीक है ना, तो टी टू मतलब बढ़ा हुआ होगा टेम्परेचर टी वन से, और क्वेश्चन क्या था हम आपके लिए, हाँ क्वेश्चन क्या था, अच्छा उसलिए उसका आ गया आंसर, अरे वो दिया था ना हालांकि ठीक लग रहा है तुम्हारे लिए।
इसका था ये मेरा था। अरे उस पर दिया था ना मैंने क्वेश्चन, फिर से आप लॉक कर दिया तुमने। क्या क्या बच्चे काट तो दिया उसको रात में करती यार ये क्वेश्चन लिखना है इसने और क्या करना है इसने कोई रॉकेट साइंस है रे रमेश सॉल्व करना है करंट की डायरेक्शन जाते हैं क्या होता है पोटेंशियल घटता है अब मुझे जाते तो बढ़ता है बस। अरे यही तो है भाई कुछ और है क्या इसमें नहीं और ये क्या दोबारा टू है ये सिक्स है और ये क्या है ये देखो कौन सा दो लूप है देखो सुन लो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसमें दो लूप है ठीक है ना तीन लूप बताओ तीन दो ही है सुन लो हाँ तीन सर एक दो छोटे वाले हो गए और एक बड़ा वाला हो गया बट बड़ा वाला जो लूप आया ना दोनों छोटे वाले को जोड़ने पर ही आया। अगर सुन लो तीन इक्वेशन नहीं बनेगी यहाँ पर इसमें तीन लूप हो गए तीन इक्वेशन नहीं दो ही इक्वेशन बनेंगे जो तीसरा इक्वेशन अगर तुम पहले दो इक्वेशन को जोड़ोगे ना तीसरा वाला आ जाएगा। पहले इस लूप के लिए लिखा और इस लूप के लिए लिखा ठीक है ना और तुमने बड़े वाले लूप के लिए भी लिख दिया तो जो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे ना तो बड़ा वाला इक्वेशन आ जाएगा क्योंकि दोनों लूप को जोड़ने पर ही क्या आया तुम्हारा ये वाला है ठीक है ना। अरे आगे बात समझे तो क्या चाहिए हमको दो इक्वेशन हमको केवीएल से मिलेंगे कि दो लूप और एक यहाँ चाहिए होगा बच्चे देखो हमको किरचॉफ करंट लॉ से चाहिए होगा राइट ठीक है कैसे करेंगे मान लो इसमें बच्चों लूप क्या है इस लूप में करंट कितना बह रही है आई वन कितना बह रही है आई वन तो देखो इसमें भी क्या बहेगी बच्चों आई वन ही बहेगी अरे बहेगी ना ये 2 वोल्ट है ये 4 वोल्ट मान लो ठीक है इसमें भी क्या बहेगी आई वन। अब देखो यहाँ पर डिवाइड होगी ठीक है या ऐसा तुम समझ लो यहाँ पर आसान करने के लिए यहाँ पर क्या मान लो बच्चों आई टू मान लो इसमें क्या मान लो आई टू मान लो तो यहाँ से आई वन आई और यहाँ से आई आई टू। अब तुम ये मत लिखना यहाँ पर लिखना आई थ्री लिखना गधों की तरीके से और आई थ्री से लिखना आई वन प्लस आई टू एक इक्वेशन और बनेगा फाइव फालतू अरे लिखोगे ना केवीएल से बाई केवीएल हो सकता है तुम बोर्ड का एग्जाम हो तो लिख दो बट यहाँ पर क्या लिखोगे तुम डायरेक्ट क्या लिखोगे तुम आई वन प्लस आई। अरे भाई तीन वेरिएबल थोड़ी रखने क्या रखना है वही रखना है। अब देखो दो वेरिएबल है आई वन और आई टू दो लूप है हमारे पास दोनों को केवीएल से सॉल्व कर लेंगे कहाँ से स्टार्ट करें बताओ ये मान लो ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज में भी क्या चलेंगे क्लॉक कहाँ से स्टार्ट करें बताओ यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं बताओ मतलब मैं हाँ क्या लिखूँ नेगेटिव अरे भाई यहाँ से यहाँ जा रहे हो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो क्या लिखोगे -2 तो लिखोगे यार उसमें नेगेटिव हर लो से हाई जा रहे हो ना यार क्या लिखोगे। अरे भाई करंट की डायरेक्शन वाला तो रेजिस्टेंस केस में होता है ना अभी करंट की डायरेक्शन डाले क्या लिखोगे माइनस माइनस क्या लिखोगे फोर आए क्या यहाँ पर हाँ अरे इसमें आई तो बह रही है ना बच्चों क्या लिखोगे करंट की डायरेक्शन में गए तो फोर आएगा और फिर इसमें आ जाओ बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो यहाँ पर क्या रहेगा माइनस से प्लस क्या लिखोगे तो नहीं क्या लिखोगे। अरे
ऐसे चल रहे हो ना भाई, ये छोटा ही बड़ा है, क्या लिखोगे क्या लिखोगे? तुम उल्टा क्यों बोल रहे हो? हॉस्टल कहाँ पहुंच गए? यहाँ पर अभी फिर लौटना है ना, यहाँ पर क्या लिखोगे? -2 i1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 0। अरे बता रहे, नहीं हो जाएगा क्या? यहाँ पर लिख दो इसको, मान लो ए मान लो, तो यहाँ पर लिख दो बी ए, और यहाँ भी कहाँ गए लौट गए, बी ए कट जाएगा, ठीक है ना? तो i1 आ गया ना, एक ही लाइन में आ गया, बहुत ही आसान है। तो 2 + 4 कितना हो गया? 6। इक्वल टू क्या आ गया? 6 i1। तो i1 कितना आ गया बच्चों? 1। अगर गलती से बच्चों आईवन निगेटिव, अगर तुमने उल्टा करंट की डायरेक्शन मान लिया होता तो आईवन क्या आ जाता? निगेटिव में आता, मतलब तुमने जो मान लिया करंट की डायरेक्शन को गलत मान लिया, वैल्यू सेम आए। अरे मैंने तो वैल्यू जो यूज किया है वैल्यू वो सेम आए। और दूसरा लूप में करके निकाल लो, अरे निकालो अभी, यहाँ से स्टार्ट करो, सारे बच्चे स्टार्ट करेंगे। हो गया तुम्हारा? कैसे कैसे भी चलो सेम आंसर आया, कैसे भी चलो सेम आंसर। मेरे वाला अगर मान लो गलत हो गया, माइनस में आंसर आ जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं। हाँ अभी निकालेंगे, पहले करंट निकालोगे तो उसके बाद निकालोगे। अच्छा भैया देखो, पता है होता है, सेवन बाय 2.7 किया -5 -5 इसी में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को कैसे अभी का करो कि लेक्चर देख लेना, वो नोट्स करके कंप्यूटर के समझ नहीं रहा हूँ भाई। कोर्स करेंगे क्या करना यार? इसमें नहीं
इसके बहुत ही सिंपल, यहां से स्टार्ट करो, मैं करंट क्या भूल जा रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा अभी प्लस, करंट की डायरेक्शन में तुम माइनस लिखते हो, अब ऐसे चल रहा हूँ मैं, क्या लिखूंगा माइनस कि प्लस, प्लस लिखूंगा ना, तो भाई वी इक्वल टू क्या होता है, रजिस्टर क्रॉस आई आर होता है, बट यहाँ पर आई क्या है, आई टू, और रजिस्टर क्या है टू, तो प्लस का टू आई टू लिखू अगेन। यहाँ से बच्चों क्या पहुंचा, यहाँ पर हाई से लो जा रहा हूँ तो क्या लिखूंगा मैं, माइनस का सिक्स, और फिर अगेन यहाँ पर फोर क्या पोजिशन जा रहा हूँ, फोर ओम के करंट क्या होगा, क्या लिखो प्लस का फोर आई टू, और फिर यहाँ पर जब पहुंचा फिर से वहां पर जाना है, तो देखो हाई से लो जा रहा है, तो माइनस का क्या लिखोगे, फोर इक्वल टू क्या आ गया, जीरो, तो कितना आ गया ये, सिक्स आई टू इक्वल टू टेन, तो कितना आ गया आई टू इक्वल टू फाइव बाई थ्री, पॉजिटिव आ रहा मतलब हमने सही माना है, क्या माना हमने, सही माना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगर तुमसे पूछे इस ब्रांच में करंट तो कितना होगा, आई वन प्लस आई टू कितना हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू कितना जाएगा, वन प्लस फाइव बाई थ्री कितना जाएगा, एट बाई, तो रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है। क्या बात है सुनते जी, कहा है इतना दिक्कत, कुछ क्या दिक्कत है तुमको, आगे समझ ली दो भाई, आगे तुम्हारा उल्टा भी चलते तो माइनस, तीसरे क्वेश्चन में क्या लग जाता, माइनस बन जाता, अरे तो उल्टा चलते क्या होता हर जगह, माइनस लग जाता है क्वेश्चन, सेम बात, इसी क्वेश्चन में दो साइड माइनस वन से मल्टीप्लाई करते सेम बात होती है, माइनस फाइव बाई थ्री, फिर तुमने करेक्ट उल्टा माना होगा, फिर माना उल्टा, यही मान रहा है, यही मान रहे थे फाइव बाई थ्री है, तो फिर यहाँ पर आई वन माइनस आई टू होगा, मेरी बात को कभी कभी मान लिया करो, डायरेक्शन डायरेक्शन में एक क्वेश्चन लिख लिया, बहुत आदमी हो तुम, तो काटू पूरा, और उसमें काले भी काले जैसे मैंने बनाया है, फोटो खींच उठा लीजिए, फोटो खींच वापस जो बुक में बिना करे भी डायरेक्शन बताए तो कैसे पता चलेगा हाई से लो जा रहे हैं लो से आ रहे, नोट स्मार्ट कर रहा था अभी उतने हो नहीं ये, ठीक है ना, क्या हो गया तुम्हारे एग्जाम लॉस, इस पर क्वेश्चन तुमको ये देखा था, ठीक ही दिया अच्छा बी एफ को माइनस बी सी की निकालना था ना, यस बी सी माइनस बी सी, ये क्या तुम्हारा कहा था, तुम्हारा ए बी था, ये था ये था स्वाद ये भी जी, बताओ श्रेया कैसे करोगे, इसी माइनस बी एफ निकालोगे, अभी तुमको सब्जेक्ट करंट में पता चल गया है, अरे सारे ब्रांच में करंट पता चल गया, इसमें क्या है बच्चों कितने करंट बह रहे हैं, फाइव बाई थ्री एम्पीयर, आई टू बह रही है ना कितना है, फाइव बाई थ्री एम्पीयर, इसमें आई वन है वन एम्पीयर, बताओ बी एफ माइनस बी सी पता करना था बच्चों, बी सी माइनस बी माइनस ने किया, हाँ कैसे करूँ, हाँ दोनों पंच देखते हैं, अरे कैसे कैसे इक्वेशन बनाओगी, किसी ने किया है,
क्या कैसे करोगे? सी से एफ चल रहा है तुमको, सिंपल सी कहानी है, पता नहीं क्या क्वेश्चन बना रही है। उसके बाद लाइफ की खोज करोगे तुम, तो सी से एफ चलो ना। अब दो रास्ते, ऊपर वाले चलते हो या नीचे वाले चलते हो, आंसर सेम है। तुमने कौन सा रास्ता चूज किया? कौन सा? नीचे वाला। सर ऐसे ठीक है, मैं ऊपर वाला चूज करता हूँ, ठीक है ना? दोनों सेम है, कहने का ये मतलब है दोनों से सेम है। ठीक है, तुमने भी किया है, ऊपर वाला है, दोनों सेम है। अच्छा, यहाँ से ऐसे शॉर्टकट वही से कोई रास्ता सेम आएगा बच्चे, कई तीन रास्ते जाए, ऐसे घूम के यहाँ आ जाओ, ऐसे चले जाए या चले। ठीक है ना, सी से स्टार्ट करो, देखिए यार तुमको ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं तो बी सी आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, बताओ क्या लिखूं? गति का लिखो, करंट की डायरेक्शन तो माइनस होता है, लिख लो उसको 10 बार, लिखो करंट की डायरेक्शन है माइनस। अब मुझे पॉजिटिव लिख लिया, अब बताओ करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या लिखोगे? सी से स्टार्ट कर रहे हो, क्या लिखा तुमने? बी सी लिख दिया, करंट की डायरेक्शन में देख, क्या हुआ? -2 × अरे वी इक्वल टू आई आर होता है ना, वोल्टेज लिख रही हो ना। अरे वोल्टेज ड्रॉप लिख रही हो, देख लीजिए तो रेजिस्टेंस क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है, I1। इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है ना, तो आई क्या है इसमें, I1+8। इस ब्रांच में आई क्या है? आई टू की वैल्यू कितनी आई है? हाँ, तो आई 5/3 आर, इतना तो आई आर इतना हुआ, क्रॉस कर गई, पावर पहुंची यहां पर। अभी क्या जा रही है, करंट की अपोजिट की अलोंग। अभी यहां पर एरो देखो, एरो क्या लगी करेंट प्लस उल्टा लगी है फोर ना। हाँ, तो क्या लिखोगे, प्लस की माइनस? हाँ, -4। आई क्या है यहां पर, इस ब्रांच में आई क्या है? अरे I1। यार, आई आई वन की वैल्यू कितनी आई है? आई वन की वैल्यू कितनी आई है? अरे I1+I2 आया था यार, I1 1 था। आर कितना है, क्या करोगी? और फिर कहां पर पहुंच गई, यहां पर पहुंच गई, क्रॉस कर गई, अब क्या लिखोगी? अब एफ तक जाना, क्या लिखोगी, +2 की -2? क्यों, +2, पॉजिटिव नेगेटिव जा रहे हैं। हाँ तो -2 कहां पर पहुंच गई, कहां पर पहुंच गई, इक्वल टू वी एफ, बस। तो वी सी माइनस वी एफ क्या होगा, बाकी उधर ले जाओ। अरे बाकी सारे को उधर ले जाओ, तो ये 10/3 है और ये क्या है, 2 है, राइट? तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 26/3 - 4, ये आ जाएगा 26/3 - 4, कितना, 14/3 आ जाएगा ना, 4/3। सोलह बाई थ्री होगा, हाँ भाई, 16/3, ये कितना जाएगा, 4/3, अरे सिंपल सा है भाई, करंट पहले, तुमने पहले क्या किया, दोनों करंट पता चल गए। अरे भाई I1 I2 का यूज हुआ, तो वैसे पहले क्या करोगे, करंट पता करोगे, तो एक क्वेश्चन लिख दो, उसको समझना ढंग से नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा अगली बार, कम से कम 10 बार सॉल्व करना, 3-4 क्वेश्चन इसीलिए कराएगा। और बहुत ही दिक्कत तो है नहीं भाई, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या होगा तुम्हारा, माइनस, अपोजिट जा रहे हो तो प्लस, रजिस्टर में आई यार, बैटरी में डायरेक्ट वोल्टेज दे रखा होता है, और क्या है इसमें, अरे और कुछ है क्या, नहीं। इस तरीके से किसी भी पॉइंट के क्रॉस की पोटेंशियल पता कर सकते हो, इस तरीके से कहीं से भी कहीं भी आ सकते हो, और सबसे 4/3 आया ही होगा ना, कोई भी रास्ता चूज करो।
ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा। देखो अच्छा, एक होता है कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर, पूछा गया कई बार, ठीक है। इसमें कुछ वैल्यूज आपको याद करनी होती है, उसको अगर वो वैल्यूज याद है आराम से होते हैं, मेरी ना तो कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ रहा है, कोई डाउट है तो बताना। होती है ईशान कौन है? ठीक ईशान खरगोश, कोडिंग ऑफ क्या कह क्या रहा है? कोडिंग ठीक है, देखो इसमें बच्चों, देखो कोई भी रजिस्टर चूज करोगे, जैसे मान लो एक मिनट तुमको रजिस्टर दिखा देता हूँ, देखो कोडिंग नहीं 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 देखो ऐसे ऐसे कोई भी ऐसा होता है रजिस्टर, ठीक है ना। अरे रजिस्टर ऐसा ही होता है, पतला सा ऐसा होता है, तो इसमें चार बाइंड होते हैं, इसमें तो ज्यादा कुछ दे रखा है, बस चार ही होते हैं। ये देखो कितने बाइंड होते हैं, चार, ठीक है ना। अब छह मतलब उसमें और भी उपस्थित आ जाएगा, हमारे कोर्स में चार बाइंड होते हैं। तो चार बाइंड में बच्चों क्या होते हैं, ऐसे आपको अगर कलर के हिसाब से उसका रजिस्टर का वैल्यू पता करना है। अरे उसको कलर कर देते हैं, ऐसा नहीं उसके ऊपर नहीं लिखते, वहां पर छोटा छोटा कितना रजिस्टर है ये नहीं लिखते, कितने उनका रजिस्टर, वो क्या लिख देते हैं उसमें, ऐसे चार बाइंड बना देते हैं, और तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुमको वैल्यू निकालनी आती है ना। अगली बात समझ रहे, अब उनसे कह दो कि लिखी तो स्पेस तो है यहाँ पर, लिख दो क्या समझा, ठीक है। अरे यारी बात समझ, तो अगर चार कलर में जो दे रखे हैं तो हमको कैसे वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, वो हमको पता करना, ठीक है। अच्छा तुम्हें दिख रहा है, मुझे दिख रहा है अभी। यस ऐसे तुमको चार बैंड दे रखे होंगे, देखो ना चार दे रखा है, 1 2 3 है 4, ठीक है ना। अभी आ गया, तो चार दे रखे होंगे, तो आपको क्या निकालना है, इसी चारों कलर के हिसाब से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो देखो कुछ कलर के करेस्पॉन्डिंग बच्चों डिजिट होती है, और क्या होता है तुम्हारा टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब क्या होता है, कैसे कोई भी क्वांटिटी को मेजर करते हो, क्या एग्जैक्ट मेजर होती है क्या, नहीं कुछ ना कुछ इधर इधर होती है, ठीक है ना। तो जो तुम्हारी टॉलरेंस होती है वो एरर का मेजरमेंट होता है। जैसे मान लो कोई लेंथ नापी, क्या लिखते हो, 2 ± 0.1 मिलीमीटर, ऐसा। तो 0.1 मिलीमीटर क्या है, उसका टॉलरेंस है भाई, इतना टॉलरेट कर लो, क्या कर लेते ना, टॉलरेट कर लो, प्लस हो सकता है प्लस माइनस हो सकता है, अरे ठीक है ना, वहीं से वर्ड क्या आया, टॉलरेंस, ठीक है। तो चार बैंड है बच्चों, मान लो एक 100 का रजिस्टर बना दिया, तो ऐसे चार बैंड होंगे, ठीक है ना, मैं चार कलर बना दे रहा हूँ।
ठीक है ना, ऐसे चार होंगे। तो जो पहले दो आएगा बच्चों, पहले जो नंबर होंगे वो क्या बताएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बताएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू। अभी बता दूंगा ये क्या बताएगा, ये 10 की पावर बताएगा। क्या बताएगा, 10 की पावर बताएगा, ठीक है ना। और लास्ट वाले क्या बताएगा बच्चों, टॉलरेंस। क्या बताएगा, ठीक है। आगे बात समझिए, इसको लिख लो, भी बताते हैं कि एग्जाम्पल से। ठीक मतलब ये पिंक और रेड वाली दिखाई दे रहा है ना, मतलब ये मेरा सी ड्रॉप कर दीजिए। उसका एक दोनों इंटरनल डिफरेंस होता है, ठीक है ना। पता है कुछ आपको पता है कि तुमने टेम्परेचर वाला भी क्वेश्चन पूछा था ना, तुमने जीरो जल्दी आपने क्या पूछा था, क्या याद अरे नहीं है तो, है, अरे बोल दो। अगर यूट्यूब पे हाँ अगर अरे सिंपल सी बात है, पहली बात तो क्या होता है, ये क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू में, क्या होता है तुम्हारा डायरेक्ट वाई को प्लस कर लीजिए, 23 ऐड करना मतलब डबल करना है, राइट। ठीक है, ये होता है देखो, टेम्परेचर इन केल्विन क्या होता है, टेम्परेचर इन सेल्सियस -270, राइट। यही होता है, ठीक है ना। अब दोनों साइड क्या कर दो तुम, डबल कर दो, दोनों साइड डबल किया, यहां पर कितना आ गया, सॉरी 5 56 आ गया, ठीक है ना। कर दिया नहीं कर दिया, अगर यहां पर तुम्हें डबल किया है 5 46 कर, इधर भी क्या आ जाएगा तुम्हारा, सॉरी तो इधर आए क्या हो जाएगा, 5 46 क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस, तो 5 46 माइनस 5 46 जीरो ही जाएगा। अरे यार ये पास लीनियर रिलेशन नहीं मिलता। अब देखो ये बच्चे चार तुम्हारे क्या हो गए, एंड हो गए। अब इसमें अब कलर के हिसाब से बच्चों तुमको कलर के लिए डिजिट असाइंड होगी, ठीक है ना। तो वो डिजिट हमको याद करनी, याद करने एक फार्मूला है वो बता, ठीक है ना। ऐसे चार कॉलम, चार कॉलम है, 3 कॉलम है, कलर यहाँ पर, एक तो डिजिट और यहाँ पर टॉलरेंस। हाँ कलर डिजिट और उस कलर की क्या है, टॉलरेंस क्या है, कभी रेडियो सुनते हो क्या, रेडियो कार सुना कार, एक शो आता था पता नहीं, बहुत पुराना था, ठीक है सर। हाँ हाँ सुना हाँ यहाँ आता है, यहाँ आता है, ठीक है सर। मैं नहीं आता, यहाँ पर रेडियो में सीन है सर, रेडियो में सीन। एक शो उसमें होता है कि कुछ लोग राज जाते हैं अपने शो हाउस में फोन करके, हाँ तो ये हमारी लाइफ क्या है। तो एक लड़का, एक टीचर था, उसने उसने बोला था, मेरी क्लास में लड़की थी, है। खड़ी हो गई, उसको हाँ लड़का उसके बराबर पीछे से परेशान कर रहा था,
लड़ी खड़ी हो गई सर, मैं और टॉयलेट नहीं कर सकती सर। तो बाजा बहुत ही बाजा में कर उसी फ्रेंड को क्या बोलूंगी, अरे अरे मैं और टॉयलेट नहीं कर सकती। वही टॉयलेट सर मुझे दमा हो गया है। अभी तुमको टॉलरेंस मिलेगा नहीं कभी। कलर बच्चों कलर कोडिंग में आपको याद करना है एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, ब्लड ट्री है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। क्या है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन ही बोलते हैं ना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। हाँ तो पढ़ोगे नहीं तो तुमको गुड वाइफ नहीं मिलेगी। ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय आर ओ वाई ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है ना, तो ये ऑर्डर बच्चों याद करने का तरीका है। ठीक है ना, सबसे पहले बच्चों 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9 तक जाएगा। ठीक है ना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो बी पहला बी आएगा, ठीक है ना, बी फॉर क्या आ जाएगा, ब्लैक। फिर क्या आएगा बच्चों बी फॉर, ब्राउन आएगा। अब याद रखना कौन सा भी सबसे ठीक है, तो ऐसा याद करना कि बस बारे से काला वाला क्या है सबसे ऊपर, फिर उसके बाद ब्लू सबसे नीचे आएगा। अच्छा ठीक है ना, हाँ ब्लैक ब्राउन बीबी और क्या था, रॉय 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 मतलब रेड, ओवर ऑरेंज, बीबी और ओ आई था ना, बीबी रॉय और आर ओ वाई, बी आर ओ वाई चारों रॉय का ही थी है ना, रॉय। लेकिन अब हैज सब कुछ नहीं है, हैज वैसे लगाया है, समझ में आ रहा होगा, हैज से बोल रही है, हैज वेरी गुड वाइफ, बी मतलब वाइफ, गुड मतलब ग्रीन। ग्रेट ब्रिटेन मतलब क्या हो गया, ब्रिटेन मतलब क्या हो गया, ब्लू, और एज वेरी गुड वाइफ तो वायलेट। ठीक है ना, कितना लिखो, बी बी अच्छा ग्रेट ग्रेट नहीं शो आता है ठीक है, उनका नीलेश मिश्रा एक सामाजिक होता है ना, और बहुत सारा शो ये देखते हो, सारी सुनते हो, पुराना आदि लाइब्रेरी सुन सकते हो। अच्छा जैसे अब अभी आए बाद ठीक में सभी में नहीं होती, ठीक है ना, सभी कलर कुछ कलर्स के लिए है, कुछ कलर्स के लिए नहीं होती। ठीक है ना, तो बच्चों ब्लैक के लिए टॉलरेंस नहीं, ब्राउन के लिए 1 है, ब्राउन के लिए कितना है, 1, और रेड के लिए है 2, मतलब 1 जो नंबर है उसी का है। ठीक है ना, अरे आगे बात समझ में, ठीक है, इसका है ग्रीन का है बच्चों 0.5, ग्रीन है ना 0.5, याद करने का आसान तरीका है, किसी का अगला स्क्वायर कर दो, कितना आ गया 0.25। याद करने का तरीका है, और वायलेट का बच्चों होता है 0.1, इसी का 4 गुना कर दो,
संचार वगैरह पॉइंट होता है, ठीक है ना, और 0.5, 0.25 और 0.1, ठीक है। और कौन से बच्चे बच्चों हमारे, ये भी रोया ग्रेट सिग्नेचर ग्रेट और लाइक अच्छा है तो हाँ लाइक वेरी गुड वाइफ, राइट। गुड मतलब क्या हो गया, ग्रेट। वाइफ मतलब वाइट। तो ये बच्चों 7 तक हो गया था ना, ये 8, ये 9, इसका जो टॉलरेंस नहीं है, ठीक है ना, टॉलरेंस डिफाइंड नहीं है। अब 3 बच्चों और आते हैं तुम्हारे, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, ठीक है ना, कहता है गोल्ड सिल्वर है नो कलर। अगर ना इसमें बच्चों ये डिजिट असाइन नहीं होगी, 0 से 9 तक तो हो गए। अरे सुन लो, अब इसमें डिजिट असाइन नहीं है क्योंकि 0 से 9 तक तो हो गए। इसमें बच्चों अगर मल्टीप्लाई किससे करना पड़ता है, इसमें मल्टीप्लाई करना होता है 10 to the power -1, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 10 to the power -2 से। इसमें मल्टीप्लीकेशन वाला काम नहीं है, ठीक है ना। इसकी टॉलरेंस क्या होती है, 5%। इसकी क्या होती है बच्चों, 10%। और इसकी क्या होती है दो कलर की, 20%। नो कलर मतलब 3 ही बैंड होंगे। नो कलर मतलब क्या होगा, कितने बैंड होंगे बच्चे, 3 ही बैंड। सर नो कलर कहाँ है, देखिए ना, तो सर क्या कह रहा हूँ सर, नो कलर कहाँ है। जैसे मेरी मम्मी एक बार फोन आया किसी का, कह रही पता नहीं कौन अनोन फोन कर रहा है बात है। आगे बात समझ में, ठीक है। प्रोग्रेस डिफाइंड प्रोग्रेस, अरे ठीक है यार, प्रोग्रेस नहीं, ठीक है। अब सुन लो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। देखो 4 बैंड है आपके पास, ठीक है, ऐसे लिख लेना, 4 बैंड है। पहला बच्चों व्हाइट, दूसरा है ब्राउन, तीसरा क्या है तुम्हारा, ग्रीन, ये है रेड, और चौथा क्या है तुम्हारा, से बड़ा बना, इतना बड़ा रजिस्टर होता नहीं है वैसे, सिल्वर। अब सुन लो, इसका बच्चे तुमको बताना है कि रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। हाँ डिजिट आगे, पहले दो से क्या पड़ेगा तुमको, नंबर आ जाएगी तुम्हारी, दूसरे तीसरे से क्या आएगी, 10 की पावर, और चौथे से क्या आएगी तुम्हारी टॉलरेंस। हाँ रेजिस्टेंस फाइंड आ रही, 5 8 8, रेजिस्टेंस फाइंड करना है ना भाई। अरे फाइंड रेजिस्टेंस वैल्यू। अब देखो बच्चों, वाईटी का रेस्पॉन्डिंग कौन सी डिजिट है, 9। लिख दो 9। ब्राउनी का रेस्पॉन्डिंग क्या है, 90 91, 10 90 90 पावर। और सिल्वर क्या है तुम्हारा, कितना टॉलरेंस है, 10% भाई सिल्वर कितना टॉलरेंस है, 10% 10%, तो प्लस माइनस। कितना तो ये इसको ले सकते हो 9.1 किलो ओम भी ले सकते हो, 9.12 × 10 to the power 3, तो 9.1 किलो प्लस माइनस 20 किलो
परसेंट। अगर मान लो तुमको रजिस्टर्स में दे रखा है तो 99.1 क्या करना होगा तुमको, 20% निकाल लो तुम, और 9.1 का 20% क्या होगा बच्चों, 1/5 कितना जाएगा? 10%, अरे सॉरी 0.9, 0.9। तो 9.1 प्लस माइनस क्या ले सकते हो, 0.91 किलो। अरे किलो है ना, तो ऐसा भी ले सकते हो। अरे आगे बात समझ, बहुत ही आसान है, पर तुमको डिजिट्स से याद होनी चाहिए। अरे ठीक है भाई, तुमको डिजिट्स से याद होनी चाहिए। हो गया, किसी को डाउट है इसमें? क्या है क्या मुश्किल है? हाँ परसेंटेज परसेंटेज परसेंट, अरे बताया था ना टॉलरेंस की बात में। अरे इसमें किया था ना कि मैं किसी क्वांटिटी को लिखते थे लिखते प्लस माइनस 2% ऐसा सारा क्या है परसेंटेज में। लिख लो अगर भाई किसी को डाउन कर दो सारा परसेंटेज में, टॉलरेंस ब्रेकेट में परसेंटेज में, टॉलरेंस एक और ब्रेकेट में परसेंटेज में। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें बच्चों उल्टा, अगर तुमको ठीक है ना कलर कोडिंग बतानी है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी, ठीक है ना, लिख लो फाइंड कलर कोडिंग, फाइंड कलर कोडिंग फॉर 15 प्लस 2% 15 प्लस 2% इसको, इसकी क्या बतानी तुमको, कलर कोडिंग बतानी है। तो ग्रीन ब्लैक और रेड, चार होते हैं, चार होते हैं ग्रीन ना, ब्लैक नहीं रेड ब्लैक ब्राउन रेड ग्रीन ब्लैक ब्राउन रेड ब्लैक ब्राउन रेड ब्लैक ब्लैक ग्रीन अरे इसको लिखो कैसे, पहले ब्लैक दो डिजिट क्या बताएगा तुम्हारा, रन की पावर क्या है यहाँ पर, 0 है ना भाई, रन की पावर क्या है, 0 प्लस माइनस और प्लस माइनस ना, प्लस माइनस 2%, ठीक है ना। अरे ये ना रन की पावर क्या तुम्हारी, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, रन पावर 0 है। अब पता ये क्या बच्चों कौन सा है तुम्हारा, ग्रीन है ना सर, और 0 क्या तुम्हारा, ब्लैक, 10 की पावर भी क्या है, ब्लैक है, और क्या है तुम्हारा, ये 2% किसका है, ये ग्रीन जेई में पूछा गया, जेई 2018 मेंस, जेई मेंस 2018, ठीक है। अरे ठीक है भाई, वैल्यू से याद होनी चाहिए तो आ जाएगा, ठीक है, एक और कर लोगे 47 प्लस माइनस 4.7, 47 प्लस माइनस 4.7 किलो, मैं तो इसे परसेंटेज नहीं दे रखी, हिंट दे रहा हूँ, इसे कलर कोडिंग बताना है, फाइंड कलर कोडिंग, याद है इसे परसेंटेज में नहीं दे रखी टॉलरेंस। ठीक है 2.7% तो ऐसा लिखो भाई, बताए चलो दो डिजिट लिखो और 10 की पावर के फॉर्म में लिखो, तभी तो कर पाओगे। तो किलो में ना बच्चों कितना पावर रहा होगा, 10 की पावर
और ये बच्चों कब आया होगा? 4 47 और 4.7 में क्या रिलेशन है? 10%, तो ये क्या है? तो वो करस्पॉन्डिंग कौन सा कलर है बच्चों? येलो येलो का पार्ट है, येलो पार्ट है, ठीक है, वायलेट है, येलो वाले ऑरेंज सिल्वर और ये क्या है? सिल्वर वेट एंड टू येलो का पार्ट है, येलो है ना, और ये किस कौन है तुम्हारा? सिल्वर तुम ऑरेंज नहीं बोल रही थी ना? यहाँ 4.7 तो कैसे लिख सकते हैं? और डी साइड ऑफ 4.7 में क्या लिखें? मैंने कहा था दो तरीके से। अरे आगे बात सुनिए, अब इसमें इससे ज्यादा टाइप के नहीं बनेंगे, ओके? ये बच्चों कलर कोडिंग हो गया। अभी आपको 1 मिनट रेजिस्टेंस पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? 5 मिनट का, 5 मिनट, 1 मिनट पर, 5 मिनट तुम लगा ही थे, उससे ज्यादा भी लगा सकते हो। चलिए 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 बताएगा, तीसरा पावर बताएगा, और चौथा क्या बताएगा? है ना, तो तुमने फिर इसे 9.4 क्या बताएगा? और तेरे पास नहीं कर रही तो होगा तुम्हारा 9.2 10/100, -9.1 प्लस माइनस इनफैक्ट क्या होगा? 10 डिवाइड के ऊपर वही 9 हम किसी को इसी तरह आ रही है।
ऐसे और भी क्या करते हैं बच्चे एक भी गिर गया तो निकल जाएगा ऐसे ही ठीक है। तो नहीं है आई डोंट नो।
बी 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 रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। परेशान थे ना क्लास में, क्या कौन सा सीरीज है, बहुत सारे हैं, बहुत क्या सारे, ठीक है। अक्सर सुन भी गए हां, और पता नहीं ना लेकिन स्टार्ट ठीक है। अब सुन लो, मेरी जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं बहुत बदनाम था, मैं चीजों को डिफिकल्ट कर देता हूँ। वास्तव में चीजों को अब कितना भी सिंप्लीफाई करें बट गलत नहीं पढ़ाना चाहिए। अरे अरे बात समझ लो, सीरीज का मतलब ये नहीं होता है कि सेम करंट बह रही है, ये मतलब होता है नहीं, क्या होता है मतलब सभी साथ है, अगर कह रहा हूँ भाई गधा आदमी एक लाइन में किसका मतलब क्या होगा सीरीज में, एक के बाद एक समझा, कोई जंक्शन नहीं होती अभी टेरेस्टर काम पे, हाँ पोटेंशियल इसी बात। सीमा ये क्वेश्चन क्लास में कराया है मैंने, क्लास में सर भी याद बातें है मेरे यही को, नोट्स में था, याद है किसी को। सर इसमें वो होगा ना, ये तीनों मैंने बता दिया, तीनों पैरेलल में बात है, ठीक है ना, सीरीज में नहीं, लाइन से कनेक्टेड है, क्या होगा कहने का मतलब क्या है कि सीरीज का मतलब क्या होता है, करंट के फ्लो करने का एक ही पाथ होता है। अब ये मतलब क्यों नहीं कि सर करंट के फ्लो करने का एक ही पाथ होगा तो सीरीज ही होगा, तो करंट भी सेम है, ये भी सही था, करंट का सेम करंट है सीरीज में, ये क्यों नहीं सही है। अगर मान लो ऐसा है, मान लो एक बैटरी है बच्चों और ये आर है, ये भी क्या है आर है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, अगर सेम बैटरी है सेम रेजिस्टेंस तो करंट भी सेम बनेगा, पर दोनों क्या है पैरेलल है ना, दोनों पैरेलल, हम ये थोड़ी कह सकते सेम करंट है तो सीरीज, हम ये नहीं कह सकते। तो सीरीज में क्या होता है, करंट के फ्लो करने का एक ही पाथ होता है, जैसे ये कह रहा था बीच में कोई जंक्शन वगैरह नहीं होता है, यहाँ पर नहीं है बच्चों ये सीरीज में, क्यों, भले ही लाइन से कनेक्टेड है। अब ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए आप बता सकते हो कि लाइन में है सीरीज में, और भाई अगर ऐसे है तो पैरेलल, ये गलत है। अब ये मैं नहीं बताता, मेरी आत्मा नहीं मानती, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अगर मान लो ये लाइन में ही है, यहाँ पर बच्चों करंट भी फ्लो कर ले, क्या तुम्हारे पास तो रास्ता है कि यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर चला जाएगा, ये जो जंक्शन है वो इसको सीरीज में नहीं कर पा रहा है। अरे अरे बात समझ, अगर ये जंक्शन हट जाता तो क्या हो जाता बच्चों, अभी करंट के फ्लो करने क्या होता, एक ही पास होता, अभी रास्ता होता, तो अभी तीनों क्या हो जाते सीरीज में होता। अरे अरे बात समझ, तो सीरीज में क्या होता है, परफेक्ट डेफिनेशन क्या है, करंट के फ्लो करने का एक ही रास्ता है, तो करंट सेम ही बहेगी, है ना, एक ही रास्ता है तो क्या होगा, करंट सेम ही बहेगी, ठीक है ना, बट एक दूसरा को मतलब एक दूसरे को अप्लाई करता है, दूसरा पहले को अप्लाई नहीं करता। देखो इन सीरीज कॉम्बिनेशन देयर इज ओनली वन पाथ अवेलेबल फॉर करंट फ्लो, इन सीरीज देयर इज ओनली वन पाथ अवेलेबल फॉर करंट फ्लो, ठीक ओनली वन पाथ अवेलेबल फॉर करंट फ्लो, ठीक है, आगे बात समझ। अच्छा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए तभी आप चीजों को कर पाओगे, ठीक है, सभी चीजें क्रिस्टल क्लियर होगी तभी आप चीजों को नए नजरिए से देख पाओगे। जॉर्डन पीटरसन सुना,
सराउंडिंग है, एक फिलोसफर है जॉर्डन पीटरसन, नहीं सुना है तुमने? तुम्हारे उसके अलावा बार बार ये कहता है डेफिनेशंस मत कीजिए, ठीक है? अरे भाई मान लो कोई चीज कहते हो कुत्ता है, तो कुत्ता के कुत्ते के लक्षण होने चाहिए ना उसमें, तो डेफिनेशंस कोई फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क तो पड़ता है। मीनिंग ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? का मतलब जो जितने भी रेजिस्टेंस एक तो इक्विवेलेंस वाला है, तो जितने सब तो पैरेलल में सीरीज में तो आता है, पैरेलल में नहीं होता। नहीं मतलब नेट नेट रेजिस्टेंस आप हाँ हाँ सर्वाधिक है। अगर मान लो कहने का मतलब क्या, इक्विवेलेंट का मतलब क्या, अगर मान लो ठीक है, मान लो मनन जो है ठीक है 5 रोटी खा रहा है ठीक है ना, और ये 8 10, और ये मान लो नॉर्मली आदमी है 15 खा रहा है, तो भी कितने रोटी खाए? 30 30 ठीक है ना। ओके अगर मान लो ठीक है, क्या नाम है तनुष का, 25 रोटी कितना, 30 30 अकेले खा गए, तो इसका मतलब क्या है, तीनों काम क्या कर रही है, तनुष का अकेले कर रही है, तनुष का क्या हो जाएगी, तीनों का इक्वल, चाहे तीनों को काम में लगाओ चाहे इसको अकेले बैठा दो। अरे अरे बात आ गई, तो पहले इसमें क्या है काम करने का, इसमें मतलब क्या है कि अगर बच्चों तीनों की जगह में मान लो 3 मिलियन कितना निकालते करें, बैटरी से आई निकाल रहे करंट निकाल रहे बैटरी से आई, तीनों जगह अगर मैं सिंगल रख दूं जो सेम काम करे, सेम काम करने का मतलब क्या है, बैटरी से सेम करंट निकालना। अरे ये काम होता है ना, बैटरी से क्या निकाले, सेम करंट निकाले, तो उसे क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। अगली बात लिख लो, इफ इन प्लेस ऑफ मल्टीपल रेजिस्टर, इफ इन प्लेस ऑफ मल्टीपल रेजिस्टर्स रिप्लेस सिंगल रेजिस्टेंस सच दैट रिप्लेस सिंगल रेजिस्टेंस सच दैट इट ड्रॉ सेम करंट, इट ड्रॉ सेम करंट फ्रॉम सेम बैटरी, ठीक है ना, इट ड्रॉस सेम करंट फ्रॉम सेम बैटरी, देन दैट रेजिस्टेंस इज सेड टू बी इक्विवेलेंट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, देन दैट रेजिस्टेंस सेड टू बी इक्विवेलेंट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। अरे ठीक है, आगे बात समझ में, तुम क्या कहते हैं उसका, इक्विवेलेंट कहते हैं, ठीक है। अब उसमें तो बड़ी कहानी बताई थी, ठीक है ना, मैंने इसमें बड़ी आसानी से तुम बता सकते हो, ठीक है ना, मेरे पास मजबूरी थी, मजबूरी क्या थी मैंने, ठीक है, तुमको केसीएल नहीं पता था, केवीएल नहीं पता, ठीक है ना, अभी पता है, बस एक लाइन से तो लिख सकते हो, शायद मैंने फाउंडेशन बताया था, फाउंडेशन कोई है नहीं, फाउंडेशन मैंने बताया था, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो बताया था तुम्हें, समझ यहाँ से स्टार्ट करो, क्या लिखोगे बच्चों, ऐसे चलो प्लस भी करंट की डायरेक्शन में जाकर कितना करंट बह रही है, आई इससे के पास कितना ड्रॉप होगा, कितना होगा, हाँ बोलो क्यों, कितना क्यों ड्रॉप होगा, क्यों करंट बह रही है ना, हाँ कितना करंट बह रही है, क्या दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो इससे भी वही पास होगी, एक ही रास्ता है, इससे भी वही पास होगी, इससे भी वही पास होगी, हाँ बताओ कितना ड्रॉप आएगा, R1 के क्रॉस कितना आएगा, हाँ क्या होगा, आई यार क्या बोल रही है, सिर्फ आई, वोल्टेज क्या होता है, आई आर होता है ना, तुम आई क्यों बोल रही हो सिर्फ, हाँ क्या I R1 आराम से बोलो, एक्सपर्ट नहीं होगी, प्लस लीन माइनस,
चुप रहो, प्लस एक माइनस, कैसे चल रहे पता है? लिखा है, स्टार्ट किया है वैसे, तो प्लस एक माइनस क्यों? हाँ, करंट की डायरेक्शन के लॉन्ग सेट है, क्रॉस कर दी यहां पर पहुंच गई, और क्या लिखोगे? ये लिखोगे करंट कितनी है? V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो आई क्यों बोलती है तुम्हें सर? आई आर होता है ना, वोल्टेज लिख रही है, करंट लिख रही है, वोल्टेज लिख रही हो ना, तो वोल्टेज को करंट से जोड़ोगे, वोल्टेज को वोल्टेज से जोड़ोगे, और फिर यहां पर पहुंच गई, क्या लिखोगी? फिर से कहां पहुंच गई? यहीं पर पहुंच गई, तो क्या हो गया? तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? उधर ले जाओ, आई कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। प्रैक्टिस करना, नहीं तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारे लिए। अरे अरे बात समझो, अगर ये खत्म हो गया तो आज चैप्टर से भी हो गए, खत्म हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब देखो बच्चों, अगर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि तीनों की जगह क्या रखते हैं भाई? सिंगल एक रेजिस्टेंस रख दो जो सेम काम करे। मतलब अगर वी हो तो कितना करंट निकाले बच्चों? वो आई करंट निकाले, क्या रखूंगा मैं? आर इक्विवेलेंट रख दो तो ये काम करे। तो कंपेयर कर लो कि तो आर इक्विवेलेंट क्या आ गया तुम्हारा? आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, आगे ना एक लाइन का डेरिवेशन, उसमें क्या लिखे थे कि जो बैटरी का पोटेंशियल है सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टर्स, फिर उसको ऐड किए थे। अरे ठीक है, वहां पर लिखवा भी नहीं सकते थे इसको, क्योंकि बोर्ड में उनको नहीं पता होता, वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आप केवीएल लिखोगे। ठीक है, अरे आगे बात समझ। लिख लो अभी, अभी लिखो उसकी बात। तो लोग कुछ आ गए, देखो भाई अब तो अपने मार्क्स में चाहिए इम्प्रूवमेंट। अब तुम सोच रहे हो कि वही सब कुछ वही रखे, प्रिपरेशन भी सेम रखे, आते भी सेम रखे, मार्क्स मेरे भी कम हो जाए तो कैसे हो? अरे आपको चेंज करना होगा खुद में, तभी तो चेंज होगा। खुद सोच लो भाई, सुन लो, इनको भी इम्प्रूवमेंट चाहिए। पहली बात तो अपना देखो, पढ़ने का तरीका देखो, ठीक है ना, कैसे अपनी लाइफ को कैसे आप कंडक्ट कर रहे हो वो देखो, उसमें चेंज करना होगा। तुम देखो भाई कहाँ पर लैग हो रहा है मेरा, तभी चेंज, तभी मार्क्स में भी चेंज है, वही रिफ्लेक्ट करता है तुम्हारा। सब कुछ सेम है, मार्क्स बढ़ जाए तो कैसे होगा? सब कुछ कुछ भी है यार, नहीं हो सकता ना भाई, जाहिर सी बात है, बिना कोई एफर्ट दी थे तुमको रिजल्ट चाहिए। भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? कर्म करो फल मिलेगा, तुम जाओ फल बाद में करेंगे। कब भगवान गीता बोले? यही पता था। दूसरा पार्थ को ही तो बोला था, इसी ने सुना था, फिर धनुष बाण लेकर गया था तो को मार। लगना पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होगा बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन का बेसिक डेफिनेशन बताओ क्या होता है? इसके पास जो रेंज आ रहा है बच्चे ज्यादा पास अंदर जा रहे हैं, ये क्या है? ज्यादा पास सर करंट जो है एक सारा पैरेलल ही होता है। सर करंट जो है एक से ज्यादा पास में ट्राई कर रहा है सेम रहती ये भी सही नहीं है, वोल्टेज सेम रहती, बता रहा हूँ। अगर मान लो दो आर है, सेम करंट दे रही, दोनों में कितना ड्रॉप होगा? आई आर ही ड्रॉप होगा ना, बट सीरीज में। अरे है ना भाई, तो ये कहना कि वोल्टेज सेम है नहीं सही डेफिनेशन, सेम करंट सेम है ये भी सही डेफिनेशन नहीं है। दो एंड्स पे ट्रांसफर हाँ, वो कनेक्टेड है सेम टू एंड्स के क्रॉस, अगर सेम टू एंड्स के क्रॉस कनेक्टेड है तो क्या होंगे? वो पैरेलल होंगे, और सेम टू एंड्स है बच्चों तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? सेम ही होगा,
ठीक है ना, लिख लो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन सेम टू पॉइंट्स, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन सेम टू पॉइंट्स। आगे बात समझ में? रजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन सेम टू पॉइंट्स, क्लियर? देख कुछ ऐसा होगा बच्चों, चित्र बना सकते हो इन रजिस्टर्स में, तो क्या होगा ना आर वन आर टू आर थ्री, ये मान लो बच्चों वी, और यहाँ पर मान लो करंट आई। देखो इसके पास तीन रास्ते हैं बच्चों जाने के, तो मान लो ऊपर वाले में आई वन जा रहा है, इसमें क्या जा रहा है आई टू, और इसमें क्या जा रहा है आई थ्री। इनका इक्विवेलेंट क्या लिखना तुमने, जनरल कोई पूछा नहीं जाएगा इक्विवेलेंट निकालना, बट पता होना चाहिए कैसे आया। इससे कितना करंट है बच्चों, बैटरी से कितना निकल रही है, इसमें भी आई निकल रही है, इसमें भी कितना निकलनी चाहिए इक्विवेलेंट में, आई ही निकलनी चाहिए, अभी तो इक्विवेलेंट हुआ। अब यहाँ पर क्या लगा दो, तो बताया था किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो बताया था मैंने रेगुलर में भी बताया था किरचॉफ वोल्टेज, बताओ बताते किसी को सारे जो रजिस्टर है सेम टू पॉइंट से क्रॉस कनेक्टेड, राइट? ये पॉइंट अरे कॉमन ही है ना, अरे ये भी इसी पॉइंट के क्रॉस कनेक्टेड है, ये भी इसी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, और इन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना बच्चों, बैटरी लगा दी है ना तुमने, इन दोनों पॉइंट के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वी, तो आर में क्रॉस भी क्या है वी, आर टू क्रॉस भी कितना है वी, आर टू क्रॉस कितना है वी, आई कितना होता तुम्हारा वी बाई आर, तो आई वन कितना होगा बच्चों, वोल्टेज तो सेम ही है, आर में क्या आ जाएगा आर वन, यहाँ पर क्या आ जाएगा वी बाई आर वन, ये क्या आ जाएगा वी बाई आर टू, ये क्या आ जाएगा वी बाई आर टू, और R इक्विवेलेंट से बच्चों देखो तो I क्या आ जाएगा बच्चों V by R इक्विवेलेंट, अरे ये तो सिंगल रेजिस्टेंस है ना, कितना लगा दिया है पूरे क्रॉस सिंगल रेजिस्टेंस, तो I क्या आ जाएगा V by R इक्विवेलेंट, यहाँ पर क्या लिख दो V by R इक्विवेलेंट, तो ये कट जाएगी कट जाएगा V by, तो क्या आ जाएगा 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R, ठीक है ना। अब ध्यान देना कई बच्चे इसको ये लिख देते हैं, ये वन बाई आर तो लिख देते हैं फिर उसको इन्वर्स करना नहीं भूल जाते, ठीक है ना, तुमने को इसलिए की दिया था कंफ्यूज, तुमने की थी मैंने बताया तुमको, हाँ इन्वर्स करना भूल गए, तो ये क्या है वन बाई आर इक्विवेलेंट क्या होगा, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री, तो जो वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई थ्री आते हैं वो इक्विवेलेंट नहीं बच्चों, वो क्या है वन बाई आर इक्विवेलेंट, उसको इन्वर्स करना, ठीक है। दो का तुमको याद रखना है, दो का बच्चों क्या होता है, अरे भाई सिर्फ वन बाई आर प्लस वन बाई आर टू आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा याद है सभी को, आर वन आर टू अपॉन, याद रखना दो का डायरेक्ट है ना, आर वन आर टू अपॉन कितना पार्ट टू लिख दे रहा हूँ, ये आर वन आर टू क्या हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पर क्या आ जाएगा आर टू प्लस आर वन, अब इसका उल्टा कर रहा है तुमको, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, मिल रहा है बंद कर रहा है बता देने मिलता है, ठीक है। अरे आगे बात समझो, पार्ट टू रेजिस्टेंस हमको याद रखना है बच्चों, क्या होगा ये वोल्टेज डिवाइडर, देखो एक फॉर्मूला होता है वोल्टेज डिवाइडर रूल, एक होता है करंट डिवाइडर, ठीक है। देखो वो कोई रूल नहीं है, उसके बिना भी काम कर सकते हो, पर अगर मुझे याद है तो आसानी होती है, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, तो या किसी वाली तुम ऑनलाइन कोई सोल्यूशन देकर उसमें लिख देते हैं वोल्टेज डिवाइडर या करंट डिवाइडर,
ये लिखना इसका, यानी कह लो वोल्टेज डिवाइडर इन सीरीज, वोल्टेज डिवाइडर रूल इन सीरीज। वोल्टेज डिवाइडर रूल इन सीरीज, वोल्टेज डिवाइडर रूल इन सीरीज लिख लिया। देखो बच्चों, सीरीज में ही मैंने वोल्टेज डिवाइडर क्यों लिखा? क्या पैरेलल में वोल्टेज डिवाइडर होगा क्या? नहीं, पैरेलल में सेम होगा, इसमें करंट सेम होगा तो वोल्टेज डिवाइड हो सकता नहीं होगा। मान लो ऐसा है, सीरीज में जो दो रजिस्टर्स है आर वन और आर टू, अभी दो का ही ले रहा हूं, अभी तुमने कितना वोल्टेज अप्लाई किया है? बी। मान लो करंट कितना बहेगी? आई बहेगी। आई की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? बैटरी से कितना करंट निकलेगी? अरे बैटरी से निकलने वाली करंट क्या होती है? वी बाई आर इक्विवेलेंट। अरे बैटरी से आर इक्विवेलेंट की डेफिनेशन यही थी ना, बैटरी से निकलने वाली करंट क्या है? आई। यहाँ बैटरी से कितना करंट निकल रही है? आई ही निकल रही है। वी बाई आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों? आर वन प्लस आर टू। कितना करंट बैटरी से निकल रही है? अरे इतना करंट बैटरी से निकल रही है। अब देखो इसमें के क्रॉस बच्चों पोटेंशियल ड्रॉप कितना मान लो? वी वन, और इसे क्रॉस कितना मान लो? वी टू। अरे आई नहीं है, इसको डिवाइडर क्यों बोलते हैं? ढंग से अभी देख समझ लो इसको। अगर बच्चों मैं केवीएल लगाऊं, लिखना नहीं इसको, केवीएल लगाऊं तो यहां से यहां चल रहा हूं, निगेटिव से पॉजिटिव गया, क्या लिखूंगा? प्लस। इसके क्रॉस कितना ड्रॉप हुआ भाई? हाई से लो जा रहे हो करंट की डायरेक्शन में, क्या लिखोगे? माइनस का वी वन, और यहाँ पर क्या लिखोगे? माइनस का वी टू इक्वल टू जीरो। तो वी क्या आ गया? वी वन प्लस वी टू। कहने का मतलब जो बैटरी वाला वोल्टेज है वो इन दोनों के क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिवाइड हो गया, इनका बंटवारा हो गया, राइट। वी का क्या हो गया? वी वन और वी टू के क्रॉस क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब ये कैसे डिवाइड हो रहा है? वी वन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? आई इंटू आर वन। अरे करंट कितना वैल्यू? आई रेजिस्टेंस कितना है? आर वन। आई कितना है? बी बाई आर वन प्लस आर टू इंटू आर वन। तो ये इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा समझो, ये क्या है बच्चों? वी आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू, और वी टू क्या होगा तुम्हारा? आई आर टू होगा। क्या होगा? आई आर टू कितना आ जाएगा? वी इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। ऐसा कोई फॉर्मूला तुमने देखा है? ऐसा फॉर्मूला इसी के शेप का, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, याद है? दो पार्टिकल सिस्टम है, क्या रहता है? मान लो दो पार्टिकल से बच्चों एम वन और एम टू, इनकी बीच की सेपरेशन कितनी है? डी। मान लो पहला वाला से डिस्टेंस कितना सेंटर ऑफ मास की? डी वन, और उससे कितना है? डी टू। तो डी वन की वैल्यू कितनी आती है? बताया बताया था जितना बच्चों मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उतना नजदीक होगा, मतलब डिस्टेंस ही क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। अरे भाई जितना बड़ा मास होगा डिस्टेंस उतनी कम होगी, उसके करीब होगा उतना। तो क्या आया था फॉर्मूला? डी वन क्या आया था तुम्हारा? डी एम टू अपॉन एम वन प्लस एम, अरे याद नहीं आया था? और वो कितना आ जाएगा? क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर यहाँ पर डी वन है तो यहाँ पर क्या होगा? एम टू। तो यहां पर देखो वास्तव में इसका मतलब क्या है? यहां पर क्या है बच्चे? यहां पर क्या तुम्हारा वी वन है, और यहां पर क्या है? आर वन है, और यहां पर क्या है? वी टू, यहां पर क्या है? आर टू। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि देखो बच्चों करंट कांस्टेंट है, करंट दोनों में सेम है, तो वोल्टेज क्या होता है? वी इक्वल टू आई आर, करंट कांस्टेंट है तो वी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? आर। तो वी वन आएगा तो क्या आएगा यहाँ पर? आर वन आएगा। आर वी वन आ रहा है तो क्या आ रहा है? आर वन आ रहा है। वी टू आएगा क्या आएगा? आर टू आएगा। अरे ठीक है ना, अरे ऐसे हुआ तो डिवाइड ही हुआ ना, कैसे? वी प्रोपोर्शनल टू आर हुआ। अरे भाई वोल्टेज क्या है तुम्हारा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस।
करंट तो सेम है, करंट दोनों में सेम है, तो क्या होगा वी पर वी वन क्या आएगा सी आर वन बाई आर वन प्लस आर टू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा वी आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। अब चाहे तुमको अगर तुमको ना भी याद है फॉर्मूला, अरे ठीक है अगर तुमको फॉर्मूला मालूम ना भी याद है तो ऐसे निकाल सकते हो वी वन वी टू, अरे निकाल सकते हो ना भाई वी वन इक्वल टू आई आर वन वी टू इक्वल टू आई आर टू, तो नहीं यार कोई मतलब ऐसा बहुत बड़ी अनहोनी नहीं हो जाएगी, पर अगर याद है तो अच्छी बात। अरे याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है कोई बात नहीं निकाल सकते हो। ठीक है ना, इसी तरह नेक्स्ट हिंट डालना, करंट डिवाइडर इन पैरेलल, करंट डिवाइडर इन पैरेलल ओनली। अब वो करके देखो बच्चों, जैसे बताया था ना उसमें क्या होगा बच्चों वोल्टेज क्या होगा तुम्हारा सेम कॉन्स्टेंट, सुन लो तो डायरेक्ट लिखना आई इक्वल टू वी बाई आर, तो करंट कैसे डिवाइड होगी बच्चों वी कॉन्स्टेंट आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, अरे आएगा ना आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा, ध्यान देना। ठीक करंट डालना है, करंट डिवाइडर इन पैरेलल लिखा दे इसको यस। सबके बताओ बच्चों बताओ क्या, अरे चित्र थोड़ी बनाना वैल्यू ठीक है ऐसे बनाओ दो रजिस्टर का बनाते सिंपल सा, ये आर वन है बच्चों ये क्या है आर टू, मान लो कितना निकली तुम्हारी बैटरी कितना करंट निकली बच्चों आई करंट निकली तुमको ये पता है, अरे बैटरी कितना निकली आई करंट निकली, इसमें क्या जाएगी आई वन और इसमें क्या जाएगी आई टू, तो आई वन और आई टू की वैल्यू करंट आई और रजिस्टर के नाम से बता दी। आई के कम से बता रहे तुमको ध्यान देना, वन और आई वन और आई टू वैल्यू किसी कम से बता लिए तो डायमेंशन इनकरेक्ट है तुम्हारा, ऊपर आर स्क्वायर आएगा नीचे आर आएगा हाँ मतलब आर वन ऊपर हो जाएगा आर तो वन, आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर स्मॉल आर वन लिखा है कैपिटल आर वन लिखा है नीचे, यहाँ पर आई के नाम से निकाल रहा है आई वन की वैल्यू किस आई वन की बी नहीं है, आई वन की वैल्यू आई के नाम से निकाल रहा है बी नहीं हो रहा है बी को एलिगेबल अरे पहले निकालो करंट आई निकालो पहले, आई क्या होगा तुम्हारे आई वन क्या होगा बताओ बी बाई आर वन होगा डायरेक्ट आ गया मान लो वन, आई टू क्या होगा अच्छा वी बाई आर टू होगा, आई क्या होगा बच्चों तुम्हारा आई वन प्लस आई टू नहीं होगा तो बी कॉमन ले लो क्या जाएगा वन बाई आर वन प्लस वन बाई, कितना आ जाएगा तुम्हारा बी आर वन प्लस आर टू अपॉन क्या जाएगा आर वन आ जाएगा, कितना आ गया अब आई बाई आई वन कर दो बस आ जाएगा तुम्हारा,
अरे एक बार आएगी। कर दो आई बाई आई वन, कर दो आई ट्वेल्व आई ट्वेल्व आ जाएगी, तुरंत कर सकते हो आई बाई सेवन बाई चार। हाँ वी कट जाएगा ना, तो डिवाइड कर दो। हो गया तो क्या करो तुम, आई बाई आई वन करो बच्चों। आई कितना तुम्हारा, वी आर वन प्लस आर टू अपॉन क्या है, आर वन आर टू। और देखो आई वन से डिवाइड कर रहे हैं, उल्टे से मल्टीप्लाई, ये मतलब ये होता है ना उल्टे से मल्टीप्लिकेशन, उल्टा क्या है इसका, आर वन बाई बी, तो कट गया बच्चों आर वन से आर वन बाई कट गया। तो आई बाई आई वन कितना है तुम्हारा, आर वन प्लस आर टू बाई आर टू, या उल्टा कर दो इसका, आई वन बाई आई कितना है बच्चों, आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। अब आई से क्या कर दो इसको, मल्टीप्लाई आई वन कितना आ जाएगा, आई आर टू अपॉन आर वन प्लस, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते थे, क्यों मैंने बताया था ना आई बच्चों क्या है तुम्हारा, बी बाई आर है, बी तो कॉन्स्टेंट है, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है आर है। मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पर आई वन होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, आर टू आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आई वन इक्वल क्या है यहाँ पर, आर टू आ गया। इसी तरह अगर तुम्हारा क्या होता, आई टू क्या आता है यहाँ पर, आर वन आएगा, आई टू क्या होता है इसमें, आर वन आता, आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू, ये डायरेक्ट लिखना है आपको। अरे इसको याद होना चाहिए भाई, सीरीज में क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में डिवाइड होता है। अरे क्या होता है वोल्टेज, सीरीज में तो वोल्टेज ही डिवाइड होगा ना, करंट तो डिवाइड होगा नहीं, क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वी प्रोपोर्शनल टू आर होता है, इसमें क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अरे क्वेश्चन कराते भाई बता रहे हैं। ठीक है, वैसे ठीक है सर, ठीक है। अब क्लास टेंथ में एक क्वेश्चन कराया था याद है, क्लास ऐसा लिखो, कैलकुलेशन ऑफ आर इक्विवेलेंट, कैलकुलेशन ऑफ आर इक्विवेलेंट, देखो इसका चार्ज जो कल में लिखा है तो ट्वेल्थ में भी वैलिड होगा, तो टेंथ में से लिखवाए थे भाई ट्वेल्थ में भी वैलिड है, ठीक है ना, क्यों वो सही है, सही है सही होगा, बताओ याद है, हाँ सारे एकदम तो नहीं याद है, देखो याद है पहले बैटरी के लगता है, जिनकी उनको बिना बैटरी के करंट बहने लगी तुम्हारी, क्या तो सर है ऑब्वियस ऑब्वियसली, इतना ऑब्वियसली उनको लगता है आप तो अभी समझते हैं पर्सनली बदले, देखो फर्स्ट कनेक्ट बैटरी अक्रॉस द पॉइंट्स, फर्स्ट कनेक्ट बैटरी अक्रॉस द पॉइंट्स across which, sir गड़बड़ भाई कर दिया sir, across which resistance to be calculated, correct battery across the point across which resistance is to be calculated, जिनके बीच resistance calculate करना है बच्चों की बीच अगर होगे तो
लगाओगे, क्यों ऐसा करते हो? ध्वनि के बीच क्यों लगाते हैं? क्लोज क्लोज हो जाए तब हो जाए। रजिस्टर बिटवीन टू पॉइंट्स का मतलब क्या है? बाद में एक क्वेश्चन कराऊंगा, मान लो ये 4 है बच्चों, ये क्या है तुम्हारा 6 है, ये क्या है 3 है, ये क्या है तुम्हारा 8, और ये क्या है 3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? इन दोनों के बीच मैं अगर बैटरी कनेक्ट करूं तो उसके रास्ते में कितनी रुकावट आएगी? ये तो मतलब हुआ इक्वल भाई, दो पॉइंट के बीच रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? उसमें पॉइंट्स का सिग्निफिकेंस क्या है भाई? एक पॉइंट से करंट जा रही है, दूसरे पॉइंट से आ रही है, पॉइंट्स का सिग्निफिकेंस यही हुआ ना भाई, डिफरेंट पॉइंट क्रॉस रेजिस्टेंस डिफरेंट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट डिफरेंट है भाई, यहां से तुमको मान लो घर जाना है, तो डिफरेंट रास्ते से जाओगे तो क्या होगा? डिफरेंट रेजिस्टेंस आएगा ना भाई, तो करंट का रास्ता अगर अलग अलग होगा तो क्या होगा? उसके रास्ते में डिफरेंट रुकावट आएगी, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिफरेंट होगा। यहां से मान लो दिल्ली जाएगा, तुमको मान लो 10 ओम का रेजिस्टेंस मिला, अगर मान लो मुंबई जाना है तो थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। रास्ते में भाई रास्ता अगर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस में क्या होगा? चेंज होगा। और रास्ता कब होगा? स्टार्ट और एंड को पता होना चाहिए ना, तो एक पॉइंट स्टार्ट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो गया? एंड हो गया। जब लगा दोगे तभी तुमको करंट का रास्ता पता चलेगा, और करंट का रास्ता पता चलेगा तभी तुम उसका रेजिस्टेंस निकाल पाओगे। पहले पहले रास्ता पता होगा किस रास्ते में जा रहा है, तब तो रेजिस्टेंस पता होगा, बिना रास्ते के रेजिस्टेंस निकाल लिया होगा। तुम ये पूछ रहे हो कितना मेरा पेट्रोल लगेगा, मैं कहूँ पहले ये तो बताओ कहाँ जाना है, ये तो क्लियर होना चाहिए ना, जाना कहाँ है, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, अंत कहाँ पर हो रहा है, किस रास्ते से जा रहे हो, ये सब पता होना चाहिए, इसीलिए कॉमन सेंस है, ठीक है ना? ये ऑब्वियस है, अब तुमको लग रहा है कि ऑब्वियस पता होता है नहीं। दूसरा दूसरा स्टेप क्या होता है? करंट हाँ, करंट को कर दो, पहला स्टेप खा लेंगे, दूसरा लिखो फ्लो करंट इन ऑल रेजिस्टर्स, फ्लो करंट इन ऑल रेजिस्टर्स। ठीक है ना? इन रेजिस्टर्स इन सीरीज विल हैव सेम करंट, रेजिस्टर्स इन सीरीज विल हैव सेम करंट, रेजिस्टर्स इन सीरीज विल हैव सेम करंट। अरे आगे बात समझो, अगर सीरीज में है तो क्या होगा बच्चों? उसमें करंट सेम होगी, ठीक है ना? तो उसको फ्लो कराने के बाद यही है, सब में करंट को शो करता है, ठीक है ना? तो जब शो करोगे तुमको रास्ता ही पता चल जाएगा आराम से। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, मान लो फ्लो कर रहे हैं, मतलब अभी तुम बाद में बनाना है इसको, मान लो तुमने बैटरी लगा दी, ठीक है ना? अब करंट तुमने फ्लो कराया आई, और यहाँ पर आई, देखो इसको दो रास्ते मिल गए सर, इसमें I1 चली जाएगी, इसमें क्या चली जाएगी? I2 चली जाएगी। इसमें एक और लगा दे, देखो इसमें तो लगा दे, ठीक है ना? तो सुन लो ऐसा, अब देखो यहाँ पर I मिलकर क्या बनी थी, I1 और I2, फिर यहाँ पर क्या मिल जाएगा? अच्छा मुझे यहाँ पर I1 I2 लिखने की जरूरत है क्या? क्या लिखना चाहिए मुझे वास्तव में, अगर मैं बुद्धिमान रहा? दो वेरिएबल फालतू में, तीन वेरिएबल हो गए। अरे सर एक तो I1 था पहले ही, आपने I1 लिख दिया, और आई माइनस आई पर हाँ I2 के लिए क्या लिखना चाहिए मुझे? I-I1 लिखना चाहिए डायरेक्टली, यहाँ पर लिखना चाहिए। अरे I1 इसमें गई, बची कितनी? I-I1 इसमें चली, तो क्या सब में करंट शो हो गया? अब देखो यहाँ पर I1 आएगी और यहाँ से I-I1 जाएगी, क्या मिल जाएगी? I-I1 तो सीरीज में है ना, 4 और 2 में क्या है तुम्हारी? सेम करंट। अगली बात समझ में, ठीक है ना? अब तीसरा क्या है, तीसरा लास्ट एंड फाइनल जो है कि रेजिस्टेंस, ठीक है ना? आर इक्विवेलेंट इन सीरीज क्या होगा? R1+R2+R3। देखो इन सीरीज आर इक्वल इक्वल टू R1+R2+R3,
एंड इन पैरेलल 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय आर 1 प्लस 1 बाय आर 2 प्लस 1 बाय आर 2 ठीक है। अच्छा लास्ट एक और लिख लीजिए मेरे को। अब इसको रिड्यूस सर्किट स्टेप बाय स्टेप, रिड्यूस सर्किट स्टेप बाय स्टेप अंटिल यू गेट सिंगल रजिस्टर। सिंगल रजिस्टर मतलब क्या होगा, वही क्या होगा तुम्हारा इक्वलिटी होगा जिंदगी से। आ गया क्या तुम्हारा कोई सीक्रेट हस्बैंड सीक्रेट मारी है मेल अच्छा बताओ किसका होगा बताओ। हाँ दीवान है ऐसे ऐसे उनको गंदी लिखा लगा दो देखा नहीं और उन्हीं का हो सकता है मेरा खैर देखो। अरे हो गया। अब देखो ये सबसे आसान है, ये क्वेश्चन मैंने क्लास 12 में ही कराया था। तो सबसे पहले देखो इससे बच्चे सबसे पहले तुम्हें करंट फ्लो करा दी, बैटरी भी लगा दी ठीक है। ये चित्र बना लो जल्दी से, फाइंड आर इक्विवेलेंट है, फाइंड आर इक्विवेलेंट। हाँ कर लियो पहले, ये तो ना बोलो लिख लिया। हाँ लिखो इस बार दिखाई दे लिखे कुछ नहीं लिखो नहीं कर पाओ ये तो मैं लाइन बच्चों मुझे इनका इक्विवेलेंट मतलब सिंगल रेजिस्टेंस पैरेलल मतलब क्या होगा, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, छह इंटू तीन अपॉन छह प्लस तीन कितना आएगा 18/9। तो क्या रखेंगे अगला रिड्यूस करके, ये बना लिया है क्या लिखेंगे इसमें, नहीं बनाए थे इन दोनों में क्या लिख देंगे। तो करंट दिखाया सब में क्या लिख देंगे बच्चों, तो ये क्या आ गया तुम्हारा छह था ना, क्या था चार इधर क्या था। तो इसमें बच्चों आई बह रही, इसमें भी अभी सेम बहेगी और इसमें भी क्या बहेगी अभी क्या था दो कभी तीनों क्या दिख रहे हैं तुमको सेम ही रास्ता है करंट की जाने का, तीनों क्या सीरीज में तो क्या हो जाएगा 4 + 2 + 6 कितना जाएगा 8। आ गया इक्विवेलेंट आ गया सिंगल रेजिस्टेंस। अरे आ गया भाई आ गया सारे बच्चों को कितना आ गया ये 8 2 आ गया ठीक है। अगला लिखो इफ वैल्यू ऑफ बी इज 16 ओम, इसमें लिखो सब पार्ट है। इफ वैल्यू ऑफ बैटरी वोल्टेज इज 16 वोल्ट देन फाइंड करंट थ्रू ईच, इफ वैल्यू ऑफ बैटरी वोल्टेज इज 16 वोल्ट ठीक है ना, देन फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर then find current through each resistor। current through each resistor आगे बस आगे। अब कैसे करेंगे देखो, याद है किसी कैसे बताया था उल्टा चलते थे याद है, चलते थे उल्टा चलते थे। अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिख दे रहा हूँ बच्चों 16 वोल्ट है, तुमको नया डायग्राम बनाना है, तीनों बनाने हैं तुमको
अरे क्या बनाने, तीनों बनाने। सबसे पहले तुमने रिड्यूस कर लिया बच्चों, यहां तक कर लिया, उसके बाद क्या चलते हैं, उल्टा चलते हैं, समझे, उल्टा चलते हैं। तो ये 16 हो गया, 16 वोल्ट, और ये क्या है, 8 वोल्ट है, तो कितना करंट निकलेगी बताओ। अरे बैटरी से कितना करंट निकलेगी, 16/8 कितना निकलेगी, 2 एम्पियर। तो देखो बच्चे सबसे कितना जाएगी, 2 एम्पियर में जाएगी, सिर्फ कितना जाएगी, 2 एम्पियर, सिर्फ कितना जाएगी, 2 एम्पियर। तो क्या सभी से पहले वाली करंट आ गई, नहीं, अरे 4 से आ गई, 2 से आ गई, बट 2 क्या था तुम्हारा, ये तो इक्वलेंट था ना 6 और 3 का, अरे ये क्या था 6 और 3 का इक्वलेंट था, तो इससे 2 आ गई, इससे 2 आ गई, 6 और 3 से निकालना है। देखो दोनों पैरेलल है बच्चों, इससे क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा बताओ, इन दोनों पॉइंट से क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, एम्पीयर करंट कितना बह रही है, टू, अरे भाई वोल्टेज क्या होता है, आइए कितना आएगा बच्चों, करंट कितना बह रही है, 2 एम्पीयर, और रेजिस्टेंस कितना है, 2, कितना आएगा 4 वोल्ट। तो इन दोनों पॉइंट के बीच कितना वोल्टेज ड्रॉप है, 4 वोल्ट। अब ऐसा सोचो उल्टा कैसे कर रहे हो, 8 में क्या लिख दिया बच्चे तुमने, 4 2 और 2 का सीरीज कॉम्बिनेशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत किसी को नहीं, अरे भाई 4 2 2 को 8 लिख दिया, तो 8 क्या लिख सकते हो, 4 2 और 2 इतना चल गया। अब 2 2 कैसे आता है, 6 और 3 का पैरल कॉम्बिनेशन था, तो 2 को ऐसा भी लिख सकते हैं हम, 6 और 3 का पैरल कॉम्बिनेशन कितना आया था, 2 पॉइंट के बीच बच्चों वोल्टेज ड्रॉप 4 वोल्ट आया था, नहीं आया था, अरे आया था ना, तो करंट निकाल लो, I through 3 ओम कितना होगा बताओ, वोल्टेज कितना है, 4, कितना होगा 4/3, और I minus I1 भी कर सकते हो, या वोल्टेज कितना है 4, और ये कितना है 6, तो कितना आ जाएगा 4/6 कर सकते हो, कितना आ जाएगा तुम्हारा 2/3, I minus 1 minus 4/3 कर, 3/4, अच्छा करंट कितनी है, 2 आई थी ना, तो 2 minus 4/3 भी करते ना, कितना आता तुम्हारा 2/3 है, 2 minus 4/3 कर, कितना आ जाएगा बच्चों, 2/3 एंड ही आएगा, ये 2/3 तो है एम्पियर है, अरे I minus I1 भी करते हैं फिर भी सेम आता है क्या, अगर तुमको I पता है बच्चों तो डायरेक्टली निकाल सकते हो, अगर तुमको I पता है तो क्या I 3 ओम डायरेक्ट निकाल सकते हो, कैसे, करंट डिवाइडर रूल से, कैसे निकाल सकते हो, करंट डिवाइडर रूल से, देखो करंट डिवाइडर कितनी है बच्चों, 2 एम्पियर आएगा, सुनो इससे पास होगा, अरे तुमने बैटरी से निकलने वाले करंट निकाल ली, यहाँ पर आई कितना, 2 एम्पियर आई, अब 2 एम्पियर का किसमें डिवाइड होनी है, 6 और 3 में डिवाइड होनी है, मैंने बताया था वोल्टेज पैरेलल में क्या होता है, I=V/R, तो इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगी, पूरी कितनी है 2, मान लो 3 ओम से निकालना है, तो यहाँ पर 3 को 6 लिखूंगा, 6 लिखूंगा, 6/6+3 कितना आ जाएगा बच्चे, 12/9 कितना आ जाएगा, 4/3, अरे आ गया। और अगर मुझे क्या लिखना है, 3 ओम से, सॉरी 6 ओम से क्या लिखना बच्चों, यहाँ पर 2 तो है, 3/6+3 कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, अरे ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, करंट डिवाइडर से आ गया, अरे ठीक है, आसानी हुई, मतलब उसके बिना भी कर सकते हो ऐसा, अरे ठीक है, चाहे तुम्हारे मॉड्यूल में क्वेश्चंस होंगे ऐसे करंट वगैरह निकालेंगे, लाओ मैं उसे पर बता देता। तो खाना खा रहे क्या तुम, खाली पैसे कर दी, मेरी कैसी होती है, मेरी पैसे हो गई जाता है उसी पर।
54, 55, 56, 57, ठीक है। अब मीटर क्या होता है? जीरो ओम का रेजिस्टेंस होता है बच्चों, मीटर क्या होता है? जीरो ओम का रेजिस्टेंस होता है। आइडियल मीटर भी पढ़ा हुआ हमने आगे। 57, हाँ 57 एंड 58, ठीक है। तो 54 से 58 तक, अच्छा 59 भी कर लेना, 60 सिमेंट भी कर लेना। हाँ 60, 60, अच्छा 54 से लेकर 60। उसके पहले वाले देखो कई एग्जांपल्स हैं, चलो उसमें किरचॉफ लॉ वगैरह को निकाला गया है, ठीक है ना। देखो कई क्वेश्चन है उसके पहले जिनमें किरचॉफ लॉ वगैरह को निकाला गया। फॉर एग्जाम्पल 51 देख लो, अच्छा 50, 50 से ही स्टार्ट कर लेना भाई, तो 50 से ना स्टार्ट कर लो, कहाँ से स्टार्ट करोगे? 30 से 31, 31 से लेकर 31 से लेकर 60 क्या होगा? आप बता लेती बारी पे 31 से लेकर 60, ठीक है। कर सकते हो, आसान है, मजा भी आएगा। चलिए कुछ ठीक है, ध्यान रखना कभी भी अपने बेसिक से बात करना, ठीक है ना। फास्ट करने के लिए कहाँ जा रहे हो? ओके ना, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जल्दी से कर लो। अरे एक ही क्वेश्चन तुमको बताया, हिंट दे रहा हूँ कैसे करो। ये आ रहा है बच्चों, ये क्या है? मैं ही करूंगा, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, साथ साथ लिखो। ये आर है, ये भी क्या है? आर। ये क्या है तुम्हारा? ए है। ये क्या है? बी है, ठीक है ना। और ये सी है, ये क्या है? डी है। टेंथ में, टेंथ में लिखा गोल्ड क्लासेस क्लासेस कराया हो जरूर मैंने। भी नहीं चाहिए। मेरा रिकॉर्ड है जो क्लास करा तो वही आता है। हाँ सच में मैं देखता नहीं हूँ, देख लिया करो, मैंने कहा जो करा था वही आता है। अरे ठीक है, मुझे बोर्ड का पेपर देने की जरूरत नहीं है, बोर्ड वाले क्या देते हैं, मेरे नोट्स देखते हैं, ज्यादा हो गया ज्यादा ही ज्यादा ही लगभग देख लिया। देखो सर, पड़ेगा कह रहा हूँ साथ साथ देखो, मेहंदी लगी उसका। देखो क्या करना बच्चों, पहले इससे ज्यादा ना स्क्रिप्ट गड़बड़ होता है ना, पहले क्या करना है? बैटरी कनेक्ट करना। तो बैटरी कनेक्ट कर दो, जल्दी से करो, जल्दी से लगाओ बैटरी, और नया सर्किट बनाना तुरंत। अरे पूरा नया सर्किट बनाना। और यहाँ पर क्या होगी बच्चों, मान लो आई करंट आई, इसमें क्या चली गई? I1। इसमें क्या चली गई? I-I1। अरे गई नहीं गई। यहाँ पर क्या होगा? दोनों का फिर से क्या हो गया? मिलन हो गया। यहाँ पर क्या गई? आई। जल्दी से बनाओ नया सर्किट, ऐसे बनाना है। बना लिया? Yes. अरे आर आर ही बना देना सारे, बना लिया। अच्छा करना बच्चे तुमको स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन करना है। क्या करना? स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन रिडक्शन करना है। कैसे रिडक्शन करेंगे? दिख रहा है?
अरे भाई देखो, इनमें करंट के जाने का क्या, एक ही रास्ता एक ही रास्ता बच्चों, तो दोनों में क्या बहेगी, सेम करंट, दोनों क्या होंगे ऊपर वाले सीरीज में, तो ऊपर वाले दोनों जगह क्या रख दो, सिंगल रेजिस्टेंस रख दो। अब सुन लो बहुत इंपॉर्टेंट बात, अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात, शुरुआत कहाँ से हो रहा है बच्चों दोनों रेजिस्टेंस पे, यहाँ से हो रहा है। अरे शुरुआत यहाँ पर हो रहा है, अंक यहाँ पर हो रहा है, जो टू आ रहा है यहाँ पर करंट होगा सी और डी के बीच में, ठीक है, कहाँ करंट होगा सी और डी के बीच में, तो ऊपर वाले दोनों जगह रख दिया बच्चों में टू आर, और सी और डी के बीच पहले से ही आर था, अर्थात कि नहीं था, ये क्या थे तुम्हारे सी और ये क्या थे डी, ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा, बाकी को वैसे ही रख दो बच्चों, बाकी में छेड़छाड़ नहीं, यहाँ पर हो गया, यहाँ भी आ रहा है, जल्दी बना रहे इतना, अरे यार टोटल समझ नहीं कह रहे, उससे पैसे बनाओ बना लिया, तैयार नहीं है हमारा, हाँ तो पता है। अब देखो, अब दिख रहा है तुमको, अब तो साफ साफ दिख रहा है बच्चों क्या है, ये दोनों क्या है, सेम दो पॉइंट के बीच कनेक्टेड है, मतलब क्या है पैरेलल, एक मिनट क्या होगा, टू आर इन टू आर अपॉन टू आर प्लस आर, तो कितना हो जाएगा, टू आर बाई थ्री, कितना हो जाएगा टू आर बाई थ्री, तो बच्चों शुरुआत कहाँ से है, इन दोनों पॉइंट के बीच कनेक्टेड है, तो सी और डी के बीच रखना है तुमको, अरे टू आर बाई थ्री का रखना है सी और डी के बीच, तो रख दो, बाकी को वैसे ही रख दो, अभी ये क्या हो गया तीनों, क्या लग रहा है करंट जाने का एक ही रास्ता है, तो क्या हो गया सीरीज से कितना जाएगा बच्चों, ये ना एट आर बाई एट आर, तीनों को जोड़ दो कितना आ गया, एट आर बाई थ्री, बना लिया, ठीक बस है ना। और दूसरा क्या था, आर सी डी पता करना था, क्या पता करना था बच्चों, आर सी डी, ठीक है, देख लिया इतना, उल्टा कैसे करें, देखो यहाँ पर आते हैं बच्चों, अभी किसके बीच लगाओगे बैटरी, सी सी और डी के बीच, कहाँ पर बैटरी लगाओगे सी और डी के बीच, तो देखो बच्चों इन दोनों रजिस्टर में कोई करंट नहीं बह, क्यों, कोई करंट के लौटने का रास्ता नहीं, जाने का रास्ता है पर लौटने का रास्ता नहीं है, तो करंट बहेगा ही नहीं, मतलब ये दोनों बार क्या है फालतू के लगेंगे, तो वास्तव का सर्किट क्या है तुम्हारा, ये आर है और ये क्या है आर है, और ये भी क्या है आर है, अरे यही है ना, इसी के बीच तो बैटरी लगाई है, वास्तव में यही है, अब दोनों क्या है बताओ, दोनों भी निकाल लिया, तो ऊपर वाले दोनों में अच्छा क्या बहेगी बच्चों, मान लो आई वन है, इसमें क्या है आई माइनस आई वन है, जो भी कह लो, ऊपर वाले दोनों में क्या है बच्चों, करंट के फ्लो करने का एक ही रास्ता है, तो क्या होगा टू आर, और ये क्या हो जाएगा आर, कितना आ गया टू आर बाई थ्री, देखो बच्चों सेम ही सर्किट था बट डिफरेंट पॉइंट के क्रॉस क्या आएगा तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिफरेंट आया, ऐसा क्यों हुआ, सोचो तो बताओ, सर्किट सेम था बट डिफरेंट पॉइंट क्रॉस डिफरेंट रेजिस्टेंस आया, थ्योरेटिकली बताओ ऐसा क्यों हुआ, इन दोनों में नहीं बहा करंट, सुन लो कि करंट के जाने का रास्ता ही क्या हो गया तुम्हारा, चेंज हो गया, अरे ठीक है भाई तुम यहां से दिल्ली नहीं जा रहे हो, जा रहे हो मुंबई जा रहे हो या कोई और जा रहे हो, करंट की जाने का रास्ता ही क्या हो गया तुम्हारा, चेंज हो गया, तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस जो उसके पास में रुकावट आएगी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगा, अरे ठीक है, तो आपको ऐसे ही फॉलो करना है, अरे ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ओके, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, अरे अभी बात समझ में, जितना रोटी खेलते उतना गोल बनती है, सिंपल सिंपल, थैंक यू। ठीक है।
क्या ना।